21वां आसियान समिट लाओस में होने जा रहा है। ये 10 दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों का ग्रुप है। इस समिट में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी लाओस पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री यहां 21वें आसियान भारत समिट और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। लाओस की राजधानी वियतियाने में समिट का आयोजन किया जाएगा। इस साल लाओस आसियान सम्मेलन का मेजबान और वर्तमान अध्यक्ष है। आपको बता दें कि आसियान में कुल 10 देश हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया इसके सदस्य देश हैं। पीएम मोदी ने लाओस रवाना होने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने इसे खास मौका बताते हुए कहा, ये एक विशेष साल है क्योंकि हम अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक दशक का जश्न मनाने जा रहे हैं जिससे भारत को लाभ हुआ है। दरअसल लाओस भारत के मुकाबले एक छोटा सा देश है। यहाँ पर चीन की तरह ही कम्युनिस्ट सरकार है। इसकी सीमा चीन, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से लगती है। इसका क्षेत्रफल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बराबर है और आबादी करीब 77 लाख है। लाओस में लाओ पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी का दबदबा है और थोंगलुन सिसोदलिथ इसके राष्ट्रपति हैं। इस पद पर आने वाले वो पहले व्यक्ति हैं जिनका कोई भी मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है। 1954 में आजाद होने से पहले लाओस फ्रांसीसी शासन के कब्जे में था। 1997 में लाओस आसियान का सदस्य बना और 2013 में इसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी सदस्यता हासिल की। अब जानते हैं कि भारत के लिए इतना छोटा सा देश इतना अहम क्यों है। लाओस वैसे तो एक बहुत ही छोटा देश है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति के चलते ये भारत के लिए रणनीतिक और व्यापारिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी सीमा चीन और म्यांमार से लगती है, लिहाजा चीन और म्यांमार से घिरे होने की वजह से ये देश रणनीतिक तौर पर भारत के लिए अहम है। ये भारत के इंडो पैसिफिक विजन का महत्वपूर्ण स्तंभ है। साथ ही साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते दखल के कारण इसका महत्व भी और ज्यादा बढ़ जाता है। ट्रेड के नजरिए की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस की भौगोलिक स्थिति के कारण ये हमेशा से अहम रहा है। लाओस की ज्योग्राफिकल लोकेशन इसे कितना अहम बनाती है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में और पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 1959 में ही लाओस का दौरा किया था। लाओस को फ्रांस के कब्जे से मुक्ति दिलाने में भी भारत ने इंटरनेशनल कमीशन फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल के चेयरमैन के तौर पर अहम भूमिका निभाई थी। जुलाई 1954 में जिनेवा संधि के आधार पर ICSC की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत चीन के बीच दुश्मनी को खत्म करने और लाओस से फ्रांसीसी उपनिवेशवादी शक्तियों की वापसी कराना था। NBT ऑनलाइन रिपोर्ट।